अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह दोस्तों, आमिर कयूम खटक आपकी खिदमत में पेश दोबारा बरकी आर्मरी इंटरनेशनल से। हमारा लोगो है वी प्रोवाइड स्ट्रेंथ इन योर हैंड्स। दोस्तों, आज जिस आर्टिकल का, जिस हैंडगन का हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं, मैं शर्त लगाना इस्लाम में जायज़ नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं यकीनन दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि जब कभी किसी के जहन में भी पिस्टल अगर किसी को कहा जाए, तो जो जिस पिस्टल का तासुर उभरता होगा, या जिस पिस्टल को उसने अपनी, पाकिस्तान के माशरे की बात कर रहा हूँ, कि जो पिस्टल उसको अपनी सराउंडिंग में सबसे ज़्यादा नज़र आया होगा, उस पिस्टल की शक्ल कुछ इस तरह की होगी जो आपके सामने इस वक्त पे मौजूदा आपको पिस्टल नज़र आ रहा है। मशहूर ज़माना, मेड इन चाइना, मेड इन रशिया, 7.62x25mm का राउंड इस्तेमाल करने वाला, और फिर में जिसको 30 बोर बोला जाता, मेड इन चाइना, 66 मॉडल M20 इस वक्त पे आपके सामने है, जिसके पीछे महारत की पोन्स, जिसके पीछे निस्फ सदी से ज़्यादा महारत शामिल है इस पिस्टल को बनाने में, और मेरे ख्याल में कोई मिलियंस ऑफ मिलियंस कॉपीज और वेरिएंट्स इस पिस्टल के बन चुके होंगे, और जो कि नहायत कामयाबी के साथ अपने अपने जो ख़रीदार हैं उनकी ज़रूरियात को पूरा कर रही हैं। जी दोस्तों, आज इस पिस्टल के हवाले से, इसकी स्पेसिफिकेशंस या इसकी जो भी फीचर्स हैं वो बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको और विजुलाइज करवाऊँगा। एक लोगों को एक गिला सा होता था कि 30 बोर में हमारे पास जो है वो चॉइस नहीं है, एक ही मॉडल चलता है ज़्यादातर, और जिसको लोग चाहे 30 बोर चाइना बोलते हैं, जो इस वक्त मेरे हाथ में, तो हम क्या करें, इसलिए हम 9mm पे शिफ्ट होना चाहते हैं, लेकिन अगेन लाइसेंसिंग, दोबारा लाइसेंस बनवाना या कन्वर्ट करवाना, उससे बचने के लिए अगर आपको ये ग्रीन कलर का पिस्टल, अगर आप इसको बगौर देख सकें, तो ये एक न्यू एंट्रेंट है 7.62x25mm की कैटेगरी में, 30 बोर में, जिसको मेड इन तुर्की आप जो है पुकार सकते हैं। जी, दिस इज मेड इन तुर्की पिस्टल बाय गर्सन। यह स्पेसिफिकली आप ये कहिए कि इसको पाकिस्तान की मार्केट में 30 बोर की खपत को देखते हुए, इस्तेमाल को देखते हुए स्पेशली डिज़ाइन किया गया। इसके फीचर्स पर हम आते हैं बाद में, मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको इस 30 बोर के हवाले से जो है कुछ चीज़ें बताना जो है वो चाहूँगा। दोस्तों, ये पिस्टल एंट्री लेवल का पिस्टल इसको समझा जाता है, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से इस ये रेंज में भी उसी तरह कारगर साबित होता है जिस तरह इसको एंट्री लेवल सेल्फ डिफेंस वेपन के तौर पे जाना जाता है। जी, 7.62mm का जो राउंड है, रिमलेस बॉटल नेक राउंड है। जी, आप उसको समझिए कि किसी छोटी राइफल के राउंड के तौर पर आप उसको जान सकते हैं। इसकी मैगजीन जो कि चाइनीज नहायत शानदार 4140 स्टील से बनी हुई होती है, इसमें 7 राउंड्स कैपेसिटी होती है। जी, 7+1 इस पिस्टल में जो है आप कैरी कर सकते हैं। इसके साथ 2 मैगजीन्स आती हैं, एक क्लीनिंग रॉड आपको मिलेगा जिस वक्त आप ये परचेज करेंगे, और उसके अलावा इसका एक बुकलेट भी आपको मिलेगी इस पिस्टल के साथ। दोस्तों, जैसे अभी आपको मैंने जो है ये मेड इन चाइना स्टैम्प वर्जन बताया M20 का, जिसको जो है वो चाइनीज स्टील, चाइनीज स्टैंडर्ड के मुताबिक तैयार किया जाता। इसके साथ साथ मैं आपको टिसास मेड इन तुर्की कंपनी की मी टू प्रोडक्ट भी दिखाना चाहता हूँ, ताकि अगर आप लोग जो 30 बोर रखने वाले हैं, 30 बोर पसंद करने वाले हैं, जिनके पास 30 बोर का लाइसेंस है, उनको चॉइस जो है वो मिल सके। 2 कलर्स में ये वर्जन अवेलेबल है। थोड़ा सा मैकेनिक्स में इसको जो है वो M20 की बजाय M57 को कॉपी करते हैं। दोस्तों, अभी जैसे मैंने आपको नोरेंको का, चाइना का बना हुआ ये स्टैम्प्ड वर्जन आपको दिखाया 7.62x25mm में, 30 बोर में, तो इसी की एक मी टू प्रोडक्ट इस वक्त मेरे सामने पड़ी हुई है। मैंने स्टार्ट में शायद आपको जिक्र भी किया था, टिसास मेड इन तुर्की 7.62x25mm पिस्टल, जिसको बनाते वक्त जो है वो M57 के डिज़ाइन को कॉपी किया गया। स्लाइडिंग रॉड बीच में आपको नज़र आ रही होगी। जी, मेटल जो है उसको सेराकोटिंग की गई है, नहायत हार्ड यूज़ के लिए है। जी,
सरेशंस को बड़ी खूबसूरती के साथ जो है वो सरेटेड एज बड़ी एग्रेसिव सरेशंस हैं जी। उसके अलावा जो जो डिफरेंस है वो यहाँ पे मैनुअल लॉकिंग का आपको मिलता है, जो कि इसमें यू लैक दिस फंक्शन हेयर इन नॉरिंको जी। मैनुअली आप इसको जो है लॉक कर सकते हैं। और ग्रिप का इन्होंने थोड़ा सा बेरेटा के एक डिज़ाइन को कॉपी करते हुए इन्होंने ग्रिप को चेंज किया है, जो ट्रेडिशनल ग्रिप्स हैं 30 बोर की नॉरिंको की, उसके मुकाबले में ये थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर हैं कंट्रोलेबिलिटी के हवाले से, या जो है वो इसको इसका जो इर्गोनॉमिक्स हैं अ बिट बेटर देन दिस ट्रेडिशनल मॉडल। लेकिन अगर हम बात करें स्टैंडर्ड की, हम क्वालिटी की, तो किसी सूरत इन दोनों का कंपेयर नहीं किया जा सकता, बिकॉज नॉरिंको इज़ बिन नोन फॉर दिस मॉडल सिंस 50 ईयर्स से तो मैं जानता हूँ जी। जबकि ये एक स्पेसिफिकली पाकिस्तान की मार्केट में 30 बोर की खपत को देखते हुए जो है इस पिस्टल को लॉन्च किया गया और इसको बनाया गया। दो के हार्ड क्रोम बैरल्ड हैं, M57 के डिज़ाइन को कॉपी किया गया है, वो लॉक आपको जो है वो मैनुअल लॉकिंग सिस्टम इज़ देयर, ग्रिप इज़ चेंज। लेकिन मेरे जैसा बंदा ओल्ड स्कूल थॉट्स का मालिक जो है वो बड़ी मुश्किल से चेंज लेता है जी। जो जिस चीज़ ने मुझे ज़्यादा मुतासर किया इस पिस्टल की क्वालिटी में, प्राइस दो इज़ अ बिट हाई फ्रॉम नॉरिंको, मेड इन इटली मैगजीन्स आपको 7+1 राउंड्स की मिलती हैं जी। बहुत खूबसूरती से इनको जो है वो पेंट किया गया है, मेटल इसका जो जो रिसीवर है आप देख लीजिए, बड़ी अच्छी मेटल से बनाया गया है, क्वाली की हुई है, क्वालिटी इज़ देयर, कलर चॉइस इज़ देयर दोनों आपके सामने। बैरल की क्वालिटी आप देख लीजिए, ऊपर से भी अंदर से भी हार्ड क्रोम है, स्टैम्प की गई है, डिफरेंट जो है वो पार्ट्स के ऊपर स्टैंपिंग मिलती है, टिसास टर्की आपको लिखा हुआ मिलता है, जबकि मॉडल नेम इज जिगाना P9। दिस इज जिगाना P9 इन ब्लैक, दिस वन इज आर्मी ग्रीन कलर जी, और माय ऑल टाइम फेवरेट इज दिस नॉरिंको M20 66 मॉडल, फ्रीली अवेलेबल एट बर्की आर्मरी इंटरनेशनल। कम फास्ट जी टू गेट दिस गैजेट, लाइसेंसिंग इज मस्ट, और थैंक यू वेरी मच ये मुझे वक्त देने का, बहुत शुक्रिया।